नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और जी हाँ, हम आपके साथ आ चुके हैं एक बहुत ही मच अवेटेड वीडियो के ऊपर। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द मच अवेटेड वीडियो, द प्राइम टूर्नामेंट ऑफ इंडिया, इंडियंस ब्लाइंड क्रिकेट सर्कल। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द नागेश ट्रॉफी 2023 सीजन that will be held from the 31st of January and we are just a week away। और आज का पहला वीडियो इस पूरे टूर्नामेंट के ऊपर हम बनाने वाले हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया, भाई नागेश ट्रॉफी के अपडेट वीडियो कुछ तो बनाओ। मैंने बोला था कि आपको ब्लाइंड क्रिकेट की इंडिया में जो भी अपडेट्स मिलेंगी पहले हम देने वाले हैं, और आज हम ला चुके हैं। और हर ग्रुप का हम एनालिसिस करेंगे, शेड्यूल बताएंगे। तो एक फॉर्मेट में आपको शो का बताऊँ तो जो अब ये जो हम शो बनाएंगे, हर ग्रुप का शेड्यूल पहले रहेगा, उसके बाद हम डिटेल्स में जाएंगे कि कौन सी टीम टॉप कर सकती हैं, कौन सी टीमें आपको खेलने मतलब मिडिल टेयर में रहेंगी, कौन सी टीम थोड़ी निराश हो सकती है, ऑन पेपर तो थोड़ी जो है कमज़ोर हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस पूरे टूर्नामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊँ। तो चार ग्रुप्स में आपको मेजरली 5 टॉप टीम्स मिलेंगी, मतलब 20 टॉप टीम्स पूरे इंडिया भर से ब्लाइंड क्रिकेट की पूरे फेडरेशन में, जो 20 टॉप स्टेट्स है वहाँ से आपको टॉप 20 टीम्स मिलेंगी जिन्होंने पिछले कुछ टाइम से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है नागेश ट्रॉफी में। उसके जो टॉप 20 रेपुटेड एसोसिएशन है ब्लाइंड क्रिकेट में हमारे इंडिया में, वो टॉप 20 टीम्स आएंगी एलीट ग्रुप में। एलीट ग्रुप में वो रहने वाले, और एलीट ग्रुप में रहने की वजह से ही वो लोग जो है एलीट टीम्स बन जाती हैं। 20 टीमें रहेंगी टॉप 20 में। उसके अलावा देखें तो फिर आती है आपकी बाकी 8 टीमें जो कि मिलेंगी आपको प्लेड ग्रुप्स में, बाकी 2 और ग्रुप्स रहेंगे अलग से। तो 6 ग्रुप्स ओवरऑल, 28 टीमें ओवरऑल पार्टिसिपेट करने वाली हैं। उसके अलावा हमें मिलेगा एक मैग्निफिसेंट प्री क्वार्टर फाइनल वाला स्ट्रक्चर, और क्वार्टर फाइनल्स भी होंगे, सेमीफाइनल्स भी होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो आपको मैं प्री क्वार्टर फाइनल वाले स्ट्रक्चर पे बताता हूँ कैसा रहेगा सीन। अभी 4 ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो 4 टॉप टीम्स जो कि हर ग्रुप से रहेंगी वो डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा 2 टीम्स जो कि उस ग्रुप में सेकेंड नंबर पर, जो 2 बेस्ट टीम्स रहेंगी चारों ग्रुप से, जो टॉप सेकेंड नंबर पर रही है नेट रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगी क्वार्टर फाइनल्स के लिए, ठीक है। 6 टीम्स होगी। उसके अलावा देखें तो 2 और टीम्स जो कि क्वालिफाई करने के लिए जब बात आएगी तब आता है एलिमिनेटर वाला प्री क्वार्टर फाइनल वाला सिनारियो, जहाँ पे हमारे 2 ग्रुप्स जो कि प्लेड ग्रुप से टॉप टीम्स रहेगी, यानी कि ई और एफ ग्रुप्स है, उन टॉप टीम्स का मुकाबला होने वाला है। हमारी जो 2 टीम्स बची हैं, यानी कि जो बाकी चारों ग्रुप से सेकंड नंबर की बाकी जो 2 टीमें बची हैं नेट रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू पे पीछे रहने के बाद, वो टीमें खेलेंगी इन टीमों के साथ क्वार्टर फाइनल्स में पोजीशन पाने के लिए। तो ये काफ़ी बेहतरीन, एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया है केबी ने इस साल, और मैं कमेंड करता हूँ। क्योंकि हम बताते हैं, एक साल पहले जब नागेश ट्रॉफी ख़त्म हुआ था, आंध्र प्रदेश ने ट्रॉफी जीती थी, अगर आप चाहो तो हमारा वो वीडियो ज़रूर देखना, फाइनल्स वाला देख लेना ब्रो। मैंने एक ही चीज़ बोली थी, सभी को बोला था, मतलब ओपनली बोला था कि यार ये स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था, मतलब हम इतना शॉर्ट टूर्नामेंट ले रहे थे और हम उसको बोल रहे हैं कि इंडिया का नेशनल मतलब ब्लाइंड क्रिकेट में टॉप का टूर्नामेंट है, एक हफ्ते में आप टूर्नामेंट ख़त्म कर रहे हो, आपके पास सिर्फ हैंडफुल ऑफ क्या बोल सकते हैं टीमों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाकी स्टेट्स वालों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, जो टीमें इंप्रूव कर रही हैं उनको और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खेल रहे दे रहे नॉकआउट स्टेजेस में खेलने का। तो ये चीज़ें अब जैसे राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, जो ये मिडिल टेयर स्टेट्स है, केरला हो गया आप देखें, तो ये जो मिडिल टेयर स्टेट्स हैं इनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी नॉकआउट स्टेजेस में खेलने की, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी। और हम देख रहे हैं महाराष्ट्र इवन आप बोल सकते हो, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी सभी को ओवरऑल, और इसीलिए दिल्ली भी एक उसमें, झारखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, तो ये नो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी हमें, और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ही बैटल चल रही थी कि यार अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ऐसे स्टेट्स को जो तो मतलब टॉप टीम्स अलग हो गई हैं, टॉप टीम्स अलग ही लीग में खेलती हैं, उसके अलावा जो स्टेट्स बनते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रावधान ये वाला टूर्नामेंट कर रहा है,
और जो शेड्यूल बना है, शेड्यूल आउट हुआ है, बेहतरीन है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो अब ये तो हम चलते हैं दोस्तों शेड्यूल पर, क्योंकि ज़्यादा अगर हम इस पर अप्रिसिएशन पर टाइम वेस्ट कर देंगे तो भाई बहुत मतलब वो लग जाएगा यार, टाइम लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम शेड्यूल पर आते हैं। पहले जो मैचेस रहेगा भाई 13 फरवरी से ये पूरा ग्रुप ए जो हम जिसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में, ग्रुप ए के बारे में, तो ग्रुप ए के जो गेम्स हैं 13 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। और पहले दिन आपको मिलेंगी 4 टीमें एक्शन में, पूरे ग्रुप में 5 टीमें हैं, जैसा कि मैंने बोला टॉप 4 एलीट ग्रुप्स जहाँ पे रहेंगे, 4 ग्रुप्स जो है उसमें 5-5 टीमें कंसिस्ट करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। और बाकी जो 2 प्लेड ग्रुप्स हैं जहाँ पर 4-4 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, आपको मिलेंगे 28 टीम पार्टिसिपेट करते हुए। और पूरी डिटेल्स यार आपको इधर ही मिलने वाली है, तो यार आप लोग बस ना चैनल पे बने रहो यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको हमारे वीडियोस का आनंद मिलता रहे दोस्तों। बस आप ब्लाइंड रेड के कोई भी अपडेट से चूको ना। तो हम चलते हैं पहले दिन के मुकाबले पे, बात करते हैं। तमिलनाडु होस्ट कर रहा है इस पूरे ग्रुप ए के मैच, इस पूरे ग्रुप ए के वाइंड अप को, पूरे ग्रुप ए को होस्ट करेगा तमिलनाडु, चेन्नई, और यहाँ पे मैचेस खेले जाएंगे ग्रुप ए के। और 13 फरवरी को खेला जाने वाला है पहला मैच जो कि इस पूरे ग्रुप ए का, जहाँ पर आपको होस्ट तमिलनाडु मिलेंगे केरला के विरुद्ध खेलते हुए। और दूसरा मुकाबला उसी दिन 1 बजे से, मतलब 9 बजे से शुरू होगा तमिलनाडु और केरला का मुकाबला। और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच में, दूसरा बहुत ही क्रूशल मुकाबला दोनों। तो 2 मुकाबले खेले जाने वाले पहले दिन, 9 बजे पहला मुकाबला रहेगा ऑब्वियसली, और दूसरा मुकाबला रहेगा आंध्र प्रदेश और केरला के बीच में, सॉरी आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बीच में पहला रहेगा तमिलनाडु और केरला के बीच में पहले दिन। और तमिलनाडु और केरला मिलेंगे 9 बजे आपको सुबह खेलते हुए, और आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मिलेंगे आपको 1 बजे दोपहर में खेलते हुए 13 फरवरी को। 14 फरवरी के मैचेस की बात करें तो 13 फरवरी को आपको रेस्ट डे मिलेगा झारखंड टीम का, झारखंड टीम पहले दिन एक्शन में नज़र नहीं आएगी। दूसरे दिन झारखंड की टीम एक्शन में नज़र आएगी, लेकिन आंध्र प्रदेश एक्शन में नज़र नहीं आने वाली है। तो झारखंड की टीम अपने मुकाबले की शुरुआत करने वाली है, और साथ ही साथ अपने दूसरे मैचेस खेलेंगी तमिलनाडु, केरला और हिमाचल प्रदेश। तो तमिलनाडु अपना मुकाबला खेलेगी हिमाचल प्रदेश के साथ, दूसरा जो मुकाबला सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा वो मुकाबला भी 14 फरवरी को, और 1 बजे मैचेस होने वाला है केरला और झारखंड के बीच में। झारखंड अपना पहला मुकाबला खेलेगी जैसे मैंने बोला, आंध्र प्रदेश अपना रेस्ट डे इंजॉय करेगा 14 फरवरी को। 15 फरवरी को देखो दोस्तों मिलेगा आपको तीसरा दिन इस पूरे के पूरे ग्रुप ए के मैचेस का, और यहाँ पे आपको मिलेगी और 2 टीम्स, और एक टीम रेस्ट करते हुए, और वो टीम रहेगी केरला, पर मैचेस खेलेंगी टीमें यहाँ पर। झारखंड को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने दूसरा मुकाबला खेलने की, आंध्र प्रदेश को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने दूसरे मुकाबले खेलने की, और इन दोनों टीमों का बीच मैच रहेगा। उसके अलावा देखिए तो मैच रहेगा आपको मिलेगा तमिलनाडु के बीच में और हिमाचल, जैसे कि तो मैच रहेगा पहले बताता हूँ, झारखंड और हिमाचल प्रदेश एक दूसरे के विरुद्ध खेलेंगे 15 फरवरी को सुबह 9 बजे, और रहेगा आंध्र प्रदेश खेलेगा तमिलनाडु के साथ एक साउथ इंडियन डार्बी में 1 बजे। ये रहेगा ये दो मैचेस रहेंगे। और आपको पता है तमिल और तेलुगु लोगों के बीच में जो राइवलरी है, हम एक कंट्री हैं लेकिन हमारे कंट्रीज़ में अलग अलग राइवलरीज होती हैं, और ये भी एक बेहतरीन फैसिनेटिंग राइवलरी रहेगी, और मैं इन्जॉय करना चाहूँगा भाई, हम सब इन्जॉय करेंगे इन मैचेस को देखते हुए। 16 फरवरी को मैचेस रहेंगे, ऑफकोर्स मैं बात करूँ तो रेस्ट डे यहाँ पर रहेगा केरला की टीम का, ठीक है। 15 फरवरी को केरला अपना रेस्ट इन्जॉय करेगा, 16 फरवरी को मिलेगा आपको एक और मैच, मतलब डे दिन ग्रुप ए का, और यहाँ पर आपको मिलेगी होस्ट तमिलनाडु रेस्ट करते हुए। उसके अलावा मैचेस आपको देखने मिलेंगे, मैचेस में आपको मिलेगी एक्शन में एक बार फिर से झारखंड की टीम, वो इस बार खेलेगी आंध्र प्रदेश से, और बाद में आपको मिलेगी केरला की टीम इस बार खेलते हुए हिमाचल प्रदेश के साथ। और 17 फरवरी आखिरी दिन जहाँ पर हिमाचल प्रदेश रेस्ट करेगा, और आपको मिलेगी होस्ट तमिलनाडु खेलते हुए बहुत ही क्रूशल मुकाबला अगेंस्ट झारखंड, और केरला आपको खेलते हुए मिलेगी काफ़ी क्रूशल मुकाबला अगेंस्ट आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, तमिलनाडु, ये आखिरी दिन के 2 मुकाबले रहेंगे इस ग्रुप ए के।
उसके अलावा देखें तो इस तरह से पूरा का पूरा शेड्यूल वाइंड अप मैंने कर दिया है। 5 दिन पूरे ग्रुप ए चलेगा, 10 मैचेस पूरे खेले जाएंगे, हर टीम एक दूसरे के विरुद्ध खेलेगी। 5 टीमें हैं आपको बोले तो 4 मैचेस हर टीम को खेलने हैं, और उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि टॉप 2 टीम्स कौन हो सकती हैं, उसके अलावा क्या नेट रन रेट के सिनारियोज बन रहे हैं। चलिए अब मेरी प्रेडिक्शन का बात है, एनालिसिस की बात है कि कौन सी टीमें जा सकती है टॉप 2 पे, क्या सिचुएशन रह सकती है ग्रुप ए में। तो मैं एनालिसिस में आप बात करूँ, ये पूरे मेरे ओपिनियन ही है, और साथ ही साथ मैं बात करूँ लेकिन मैंने पूरे आपको बताऊँ तो पूरे टूर्नामेंट ऑब्जर्व किए हैं, काफ़ी डेटा कंपाइल किया है, काफ़ी मेहनत से रिसर्च करके एविडेंस के साथ ये बात रख रहा हूँ, फैक्ट एंड फिगर्स मेंशन ज़रूर कर दूंगा। भाई लोग देखो, जो 13 फरवरी मतलब मैचेस आप देखें तो 13 फरवरी से 17 फरवरी रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, लेकिन इस पूरे के पूरे ग्रुप में फ्रॉम द ऑब्वियस पॉइंट ऑफ व्यू आंध्र प्रदेश स्टैंड आउट करते हुए नज़र आने वाला है। ऑब्वियसली टॉप टीम है, उनको कोई डिटर नहीं कर सकता इस ग्रुप में। इस ग्रुप में आंध्र प्रदेश को चैलेंज अगर कोई टीम पोस्ट कर सकती है तो वो हो सकती थी अगर कोई बड़ी टीम आती। अगर इनकेस अगर आप देखें तो कोई टीम यहाँ पर ऐसी नहीं है कि आंध्र प्रदेश को चैलेंज इन सम वॉट कर सके। अगर चैलेंज पॉइंट मतलब प्रूव करना है तो शायद केरला और झारखंड को बहुत ही स्टैंड आउट होना पड़ेगा अगेंस्ट आंध्र प्रदेश। सिर्फ वही एक मौका रहेगा जब यहाँ पे चैलेंज पोस्ट किया जा सके, उसके अलावा तो कोई चैलेंज मुझे नहीं लगता कि पोस्ट किया जा सकता है आंध्रा के अगेंस्ट। आंध्रा की टीम अनबीटेबली टॉप रहेगी इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, सारे मैचेस जीतते हुए आसानी से टॉप कर लेगी। उसके अलावा जो दूसरी पोजीशन है इसके लिए बैटल बहुत ही फियर्स होने वाला है केरला और झारखंड के बीच में। अगेन हम तमिलनाडु और आंध्र हिमाचल प्रदेश को राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश वो भी अपने दिन में परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यार, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को भी सीखने की बहुत ज़रूरत है। तमिलनाडु खासकर पुडुचेरी से ज़रूर सीखें, पुडुचेरी की टीम ने किस तरह का प्रदर्शन किया है, आपकी नेबरिंग स्टेट ही है, ऑलमोस्ट सेम तरह के लोग ही होते हैं, तमिल बोलते हैं वो भी, और आपको भी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। आपके नेबर से साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से सीखी है जो आपको काफ़ी कुछ क्रिकेट में ज़रूर सिखा सकते हैं। तो उम्मीद है कि तमिलनाडु की टीम की जो क्रिकेट एसोसिएशन है अपने क्रिकेट को थोड़ा अलग लेवल तक पहुंचाएगी। इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं अभी से, मुझे उम्मीद है कि 24 और 25 में हमें तमिलनाडु की टीम काफ़ी स्ट्रांग नज़र आए, शायद 2027, 2028 या इवन 2030 आते आते हमें तमिलनाडु की टीम क्या सेमीफाइनल्स में खेलते हुए नज़र आएगी। और अगेन हिमाचल प्रदेश में नॉर्थ इंडिया में देख रहा हूँ, हरियाणा एक जायंट है लेकिन हरियाणा से आपको भी हिमाचल प्रदेश को सीखना है, काफ़ी कुछ बनाना है अभी हिमाचल प्रदेश की टीम को, धीरे धीरे बस बन सी रही है सेटअप। क्रिकेट का थोड़ा जो कल्चर है वो तो ज़रूर है पर आई थिंक वो सेंस ऑफ यूनिटी नहीं आ पा रही है टीम में। एक जो चीज़ मैंने कमी देखी है, जो जितने ओवरऑल मैचेस देखे हैं, सेंस ऑफ यूनिटी फॉर अ टीम, कलेक्टिवनेस नहीं नज़र आ रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगी। सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस यहाँ पे टीम वर्क डेवलप करवाना है, और स्टेट जो एसोसिएशन है हिमाचल प्रदेश का स्टेट एसोसिएशन है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हिमाचल प्रदेश स्टेट एसोसिएशन को। उम्मीद करता हूँ कि 2028-29 तक ये टीम भी एक बेहतरीन टॉप नॉच टीम बनकर नज़र आए। और अगेन ग्रुप ए में आपको जगह मिली है तो ऑफकोर्स आपके पास क्रेडेंशियल्स तो हैं, उम्मीद है उस टैलेंट को, वो प्रतिभा जो हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी अपने पास लाते हैं, सिंगल मैच विनर खिलाड़ीज हैं, कुछ पॉइंट आउट करूं नेम तो विजय, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं हिमाचल प्रदेश में जो आते हैं, जो आपको एक सिंगल यहाँ पे बोल सकते हो कि सिंगल हैंडेड ही मैचेस जिता सकते हैं, पर बस सिंगल हैंडेड इंडिविजुअल्स को टीम के साथ काम करना होगा और टीम को एक बेहतरीन बिल्ड करना होगा अच्छे तरीके से, ताकि हिमाचल प्रदेश भी बड़े बड़े स्टेट्स को टक्कर दे सके, बड़े बड़े तो नहीं बोल सकते, बड़ी टीमों को टक्कर दे सके, एक पॉइंट मतलब प्रूव कर सके और हिमाचल प्रदेश को एक नए गौरव तक पहुँचाए। तो ये मेरी कह सकते एनालिसिस कहती है कि ये टॉप टीम्स जो रहेंगी हमारे ग्रुप में, आपको टॉप पे रहेगी पोजीशन आंध्र प्रदेश हैंडल कर रहे हैं, ऑफकोर्स अनडिफीटेड रहेगा, आंध्र प्रदेश को कोई भी बीट नहीं कर पाएगा इस ग्रुप में। दूसरी पोजीशन में यहाँ पे काफ़ी टफ है प्रेडिक्ट करना, मैं लेकिन जा रहा हूँ स्लाइटली टूवर्ड्स केरला, क्योंकि मैंने केरला की परफॉर्मेंस देखी है। अगेन झारखंड के लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है, हु न्यू कि वो दोनों एक ही ग्रुप में क्लैश करेंगे, केरला और झारखंड वहाँ पर भी पर्पल फेस्ट में अगर एक दूसरे के विरोध होते तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बेहतरीन मैच देखने मिल सकता था हमें।
और दोनों ही टीमों के बीच में कह सकते हैं आप एक राइवलरी वहाँ से ही बिल्डअप होती। पर झारखंड की टीम पर्पल फेस्ट में कुछ रीजंस के वजह से नहीं आ पाई और उन्हें मौका नहीं मिला ग्रुप बी में केरला के विरुद्ध खेलने का। पर केरला की टीम को एक एडवांटेज रहेगा मैच प्रैक्टिस का, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसी फेयर्स टीम के विरुद्ध वो प्रैक्टिस कर आ रहे हैं, अच्छे मैचेस खेल के आ रहे हैं पर्पल फेस्ट में। तो ये कह सकते हैं कि केरला की टीम, मैं थोड़ा सा स्लाइटली उनके तरफ जाऊंगा और दूसरी पोजीशन मैं बैट करूंगा केरला के ऊपर। केरला टीम इस ग्रुप से दूसरी पोजीशन ले लेगी। नेट रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बोल सकता, डायरेक्ट एंट्री आपको मैं एंड ऑफ द वीडियोस बताऊंगा जब हमारे चारों ग्रुप के एनालिसिस ख़त्म हो जाएंगे कि दो डायरेक्ट टीम्स कौन सी रहेगी जो पार्टिसिपेट करेंगी और उसके अलावा दो टीम्स को कहां से एज ग्रुप में खेलना पड़ेगा, उसके ऊपर हम प्लेड ग्रुप के ऊपर हम अलग से बात करेंगे, प्लेड ग्रुप पे भी बात करेंगे, पूरे वीडियोस लाएंगे भाई। नागेश ट्रॉफी का पर्व आ रहा है, ब्लाइंड्स के लिए पर्व भी है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि भाई हम आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और पूरे के पूरे जो है ब्लाइंड क्रिकेट कम्युनिटी को साथ ही साथ नॉर्मल मतलब हमारे सभी भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे, पूरे तरह से हमारे वर्ल्ड में ब्लाइंड क्रिकेट की एक रिकग्निशन के लिए हम लगातार उन्नति से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ और पूरे हिम्मत के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस जज्बे को जो है सपोर्ट करते हुए हमें ज़रूर शेयर करके हौसला देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, फिर से बोल रहा हूँ।